विभिन्न जिलों से जुटे आदिवासी संगठनों के लोग राजधानी रांची की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है उसको लेकर है। और देखिए हजारों की संख्या में जो विभिन्न आदिवासी संगठन है वो सड़क पर उतरे हैं और सड़क पर उतरकर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, ये राजधानी रांची के रेडियम रोड की तस्वीर है जहां पर भारी संख्या में महिला और पुरुष जो है वो यहां पर जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम जो कल पूछताछ करने वाली है उसको लेकर ये विरोध किया जा रहा है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, कहां से अभी आए हम लोग? ओरे मारे साहब, क्यों विरोध? क्या क्यों विरोध? क्या सर, विरोध क्यों कर रहे हैं? केंद्र सरकार का ईडी का विरोध। आप लोग नहीं चाह रहे कि पूछताछ हो? फैजुल का पूछताछ करना अच्छा बात नहीं रहा है, जान बुझ के ये ईडी बीजेपी का क्यों नहीं पूछताछ करता है? एक जगह भी बता दे कि छानबीन किया है बीजेपी को, गैर सरकार जहां है बीजेपी छोड़ के वहां पर आपका देखिए हर जगह ये केंद्र सरकार परेशान करके रखा है और जहां जहां बीजेपी का सरकार है एक जगह भी है उसका देखिए कहीं भी उसका छानबीन नहीं करता है। एकदम केंद्र सरकार एकदम तानाशाही काम कर रहा है वो, इसलिए हम लोग उसको निंदा विरोध करते हैं उसका। अच्छा, तो कोई गलत कर रहा है तो नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? तो बीजेपी में गलत नहीं हो रहा है, उसमें क्यों नहीं देखता है वो? बीजेपी में क्यों नहीं देखता है वो? बीजेपी में तो देखना चाहिए ना। आप देख लीजिए ना, जहाँ बीजेपी छोड़ के दूसरा सरकार है, दूसरा पार्टी का सरकार है, हर जगह वो विरोध करता है। और जो क्या चाह रहे हैं, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ नहीं करे? अरे पूछताछ करे, लेकिन हम सीएम साहब को बुलाए थे तो नहीं किए थे क्या? ये थे ना, वो तो दूसरा मामला था ना। अरे वो अवैध खनन वाला था, ये जमीन घोटाला वाला मामला, ये सब बेफिजूल का बुनियाद है, ये सब झूठा लगाया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। झूठा आरोप है, लेकिन इनका कहना है कि झूठा आरोप है, आरोप में कोई दम नहीं है, बेबुनियाद आरोप है और कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की जा रही है। कुछ और लोग हैं, कहाँ से आए आप? पतरातू से आए हैं। अच्छा, विरोध क्यों? आप लोग नहीं चाह रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ करे? नहीं, सवाल है कि आप पूछताछ कीजिए उससे दिक्कत नहीं, लेकिन तब है कि एक आदिवासी नेता पर जिस तरह आप मैंने उसको दिन बाय दिन नोटिस देते हैं, क्या करते हैं, और ये जो है बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार जो बीजेपी सरकार है उन्हीं के देख रेख में जो है ईडी जो सीडी जो है काम कर रहा है और इसी के विरोध में हमारे पूरे आदिवासी हरिजन पूरे झारखंड प्रदेश के हम लोग, अगर सुधारा अगर नहीं जाता है तो आज तो हम लोग ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, कुछ भी होगा हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री कुछ गलत किए हो तो आप लोग सपोर्ट में? अरे भाई गलत क्यों, कौन सी गलत है? अगर गलत होता तो मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि भाई अगर यदि आप हमको बोलते हैं बुलाते हैं तो मैंने अगर गलत किया है तो अरेस्ट करो, नोटिस कराओ, हम जेल जाएंगे, जेल जाने के लिए तैयार है। तो आप नोटिस, हम मैंने चोरी की है तो हमको पकड़िए ना भाई, हमको पकड़ो और लेके जाओ, आप टॉर्चर कीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए जो है हम लोग पूरे आदिवासी समाज, आदिवासी हरिजन, यहाँ के आदिवासी मूलवासी हम लोग, अगर ये केंद्र सरकार जो सरकारी दुरुपयोग कर रहा है ईडी सीडी का सहारा लेकर के, अगर सुधार नहीं होता है कबाड़ देंगे। आप लोग चाह रहे कि अगर किसी ने गलत किया तो कार्रवाई कीजिए, समन मत भेजिए। देखिए इमोशनल हो जा रहे हैं। अच्छा, हेलो, अगर किसी ने गलत किया तो आप लोग नहीं चाहते कार्रवाई हो? गलत हो भी नहीं किया है, ये केंद्र शासन को उसको फंसाने का साजिश है, हेमंत सोरेन को नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, हेमंत सोरेन को फंसाया जा रहा है, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कोई गलत नहीं किया है। तो ये केंद्र सरकार होश में आरोप लग रहा है, वो झूठा आरोप लग रहा है, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जो हमसे टकराएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई गलत नहीं किया है, जो भी आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद है, गलत है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करने की कोशिश केंद्रीय एजेंसियों की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं रेडियम रोड की है, जहां से विभिन्न जिलों से राजधानी रांची जो है
विभिन्न आदिवासी संगठन जुटे हैं और यहां से मार्च करते हुए राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं, जहां पर इनका धरना प्रदर्शन होगा और इस धरना के प्रदर्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास होगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।